आज हेउछि बाली तृतीया भिन्न एक ओडिया परंपरा भाद्रव मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिन हस्ता नक्षत्र रे पालन करा जायथे बाली तृतीया व्रत। यह पर्व भारत वर्षर केवल ओडिशा रे हिंदू तथा विशेषकर ब्राह्मण परिवार गुड़िक रे पालन करा जायथे। विवाहित महिला माने स्वामी को दीर्घ निरामय जीवन कामना करी एही व्रत पालन करिथांती। एही व्रत रे भगवान शिव एवं माता पार्वती को पूजा करा जायथे। एही दिन महिला माने निर्जला व्रत रखिथांती। व्रत रखिबा परदिन ही व्रत समाप्त होइथाय। एही व्रत बहुत कष्टकर होइथाय। एही व्रत पूरा दिन भगवान शंकर एवं पार्वती को भजन कीर्तन करी ताको स्मरण करा जायथाय। एही व्रत रे राति सारा भगवान को नाम को स्मरण करा जायथाय। युवती माने भलो स्वामी पाई मध्य एही व्रत रखिथांती। मान्यता अनुजाई एही व्रत को प्रथमे माता पार्वती भगवान शिव रखिथिले। एही दिन रे एमिति किछि जिनिस करबा द्वारा स्वामी को आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीथाय। स्वामी को आर्थिक स्थिति सुधारिबा पई एही दिन रे शिव चालीसा पाठ करबा उचित। एहा छडा शिव को पांचटी अरख फूल अर्पण करबा द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाय। पिलार उन्नति पई एही दिन गायत्री मंत्र जप करथांती। या छड़ा शिवलिंग रे 11टी बेलपत्र चढ़ातु। एमिति करिया द्वारा आपण संतान जीवन रे खुशी रहिबो। बाल्य तृतीय व्रत करिबा दिन सोइबा उचित नुहे। एहा जको एही व्रत करिबा बहुत कष्टकर। एही व्रत दुई प्रकार रखा जाए। प्रथम निर्जला एवं द्वितीय रे फल आहार। फल आहार व्रत रे महिला माने फल सेवन करंती। एही दिन माटी किंबा बाली रे भगवान शिव एवं माता पार्वती को प्रतिमा करे पूजा करा जाय थाए। एहा सहित षोल श्रृंगार सामग्री पार्वती को अर्पण करी अखंड सुहागर कामना करिबा उचित। जदि थरे आपण एही व्रत करिबा आरंभ करिछंती तबे आपण को प्रतिवर्ष एहा को रखिबा को पड़िबो। जदि थरे आपण एही व्रत करिबा आरंभ करंती तबे आपण को प्रतिवर्ष एहा को करिबा को पड़िबो। जदि आपण कोनोसी वर्ष असुविधा रे पड़ंती तेबे आपण उपवास छाड़ी पारिबे नाही। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।